हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में आपने एसिड्स, बेस और साल्ट का इंट्रोडक्शन देखा था। लास्ट क्लास एसिड, बेस और साल्ट का इंट्रोडक्शन क्लास था। आपको बताया गया था कि एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन में एच प्लस आयन देते हैं और एच प्लस आयन्स चूंकि अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें H प्लस एक्वस लिखा जाना चाहिए या H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन लिखा जाना चाहिए। फिर आपको यह भी बताया गया था कि बेसिस वो सबस्टांसेस हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, एसिड के इफेक्ट को नलिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में जाना था। आज हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट को, और हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा एसिड। एसिड और उसके प्रॉपर्टीज को डिटेल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। एसिड्स आर दोज सबस्टांसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर गिव्स एच प्लस एक्वस आयन। एसिड्स आर दोज substances which when dissolved in water give H plus aqueous, या फिर आप इसके लिए H3O plus भी ले सकते हैं, H3O plus ions। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है HCl। यदि आप HCl को डिजॉल्व करते हैं वाटर में, यदि HCl का आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो आपको मिलेगा H प्लस aqueous ions plus Cl minus ions। sulfuric acid, इसका केमिकल फॉर्मूला है H2SO4। इसका aqueous सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपको मिलेगा H plus aqueous ions और सल्फेट आयन। नाइट्रिक एसिड, HNO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। H प्लस एक्वस आयन और नाइट्रेट आयन NO3 माइनस एक्वस आयन मिलता है। कार्बोनिक एसिड, H2CO3। इसका यदि आप एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपको H प्लस एक्वास आयन मिलता है और कार्बोनेट आयन CO3 टू माइनस आयन मिलता है। नेक्स्ट, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। H3PO4 H plus aqueous ions plus phosphate ion आपको मिलता है। एसिटिक एसिड, CH3COOH, CH3COOH, इसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, लेकिन सभी आयोनाइजेबल नहीं है। सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड जो है ये पोलर होता है,
मतलब ये आयोनाइज हो सकता है। तो यहां आपको मिलता है CH3COOH माइनस अक्वस आयन प्लस H प्लस अक्वस आयन, इसे हम लोग कहते हैं एसीटेट आयन। और ये है H प्लस आयन। एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, इथेनोइक एसिड। फिर इसी तरीके से हॉर्निक एसिड या जिसे मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला था HCOOH। इसमें भी दो हाइड्रोजन एटम है लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड जो है वो पोलर है और सिर्फ यही हाइड्रोजन जो है आयोनाइजेबल है। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर नहीं है इसलिए यहां से H प्लस आयन आपको नहीं मिलता, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पास से मिलता है। तो यहां आपको मिलेगा HCOO माइनस अक्वस आयन प्लस एच प्लस अक्वस आयन, इसे हम लोग हॉर्नेट आयन या फिर मिथेनोएट आयन कहते हैं। तो ये कुछ कॉमन एसिड्स के एग्जांपल है और जब इनको डिसॉल्व किया जाए तो किस तरीके से ये आयन्स में डिकम्पोज होते हैं वो मैंने आपको बताया। बेसिसिटी, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इन वन फॉर्मूला यूनिट और वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। आप जानते हैं HCl का रिएक्शन यदि किसी मेटल से कराया जाए जैसे कि यहां पे जिंक है, तो जिंक से यदि HCl का रिएक्शन कराया जाए तो जिंक इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और बनता है ये HCl जो है H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूटेगा और H प्लस आयन का प्लेस कौन लेगा, Zn2+। तो यहां आपको मिलता है ZnCl2+ H2। बैलेंस यदि करें तो ये आपका ये हो गया बैलेंस। अब देखिए तो एक फॉर्मूला यूनिट HCl का वन फॉर्मूला यूनिट से कितना हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है, कितना हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस होता है, सिर्फ एक H2SO4। यदि इसका जिंक से रिएक्शन कराया जाए तो बनता है ZnSO4 प्लस H2। यहां H2SO4 के वन फॉर्मूला यूनिट से कितना हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस होता है, दो हाइड्रोजन एटम है और दोनों डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो इसका बेसिसिटी वन है HCl का क्योंकि इसमें रिप्लेसेबल वन हाइड्रोजन एटम, इसमें रिप्लेसेबल टू हाइड्रोजन एटम है तो इसका बेसिसिटी टू हो गया। अब देखिए एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं CH3COOH, यदि इसका रिएक्शन जिंक से कराया जाए तो देखिए तो ये एसीटेट आयन में टूटेगा CH3COO माइनस आयन और H प्लस आयन, और H प्लस आयन का जगह कौन लेगा, जिंक, तो बनेगा जिंक एसीटेट, जिंक ZN CH3COO twice। अब ये कैसे बना मैं जरा बता दूं आपको, जिंक आयन जो है वो होता है ZN2+ और एसीटेट आयन है CH3COO माइनस CH3COO माइनस। तो इस तरीके से आपको मिलता है ZN CH3COO होल ट्वाइस। अब देखिए तो एसिटिक एसिड, ये फॉर्मूला यूनिट नहीं है ये मॉलिक्यूल है, तो एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में टोटल फोर हाइड्रोजन आइटम्स हैं, तीन यहां और एक यहां, लेकिन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम कितने हैं, सिर्फ ये ना रिप्लेस हुआ,
ये तीनों हाइड्रोजन एटम तो बना हुआ है अपने जगह पर, सिर्फ ये रिप्लेस हुआ, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम यहां पर रिप्लेसेबल है, तो एसिटिक एसिड का बेसिसिटी हो जाएगा वन। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, फर्स्ट सबस्टांसेस दैट कंटेन एसिड आर शॉर्ट इन टेस्ट, सबस्टांसेस दैट कंटेन एसिड आर शॉर्ट इन टेस्ट, some substances that contain acid are called, it contains lactic acid, tamarind, it contains tartaric acid, citrus fruits. Citric acid. Vitamin C, which is found in salt fruits. Ascorbic acid is called vitamin C. Ascorbic acid is called vitamin C. Next, tomato. It contains oxalic acid. Red ants. They are formic acid. All these are weak acids and these are edible acids. Weak means mild, these are mild edible acids. Next property, acid turns blue litmus red. लास्ट लेक्चर में आपको एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में बताया था, वहां पर मैंने बताया था लिटमस क्या होता है। लिटमस पर्पल कलर का एक डाई है जो कि लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइकेन थैलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस। लिटमस सॉल्यूशन का कलर पर्पल होता है जब ये न्यूट्रल हो, इसमें यदि एसिड मिला दिया जाए तो ये रेड हो जाता है और यदि इसमें बेस मिला दिया जाए तो ये ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट अक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड एक इलेक्ट्रोलाइट है और इस कारण से इसका अक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कारण आपको पता है, एसिड को जब डिसॉल्व किया जाए वाटर में तो ये आयंस में टूट जाता है और आयंस जो है मूव कर सकते हैं सॉल्यूशन में और इस कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्शन with metals, acid metal से reaction करके hydrogen gas produce करते हैं। acid react with metal to produce a salt and hydrogen gas. for example, HCl का रिएक्शन यदि जिंक मेटल के साथ कराया जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन
जिंक मेटल के साथ कराया गया, तो जिंक क्लोराइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। अब ये बैलेंस हो चुका है, ये जिंक क्लोराइड जो है एक साल्ट है और दूसरा प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स, कोई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। यदि H2SO4 का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कराया है तो आपको देखिए यहां से ये हाइड्रोजन लॉस करेगा और ये ऑक्सीजन, वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो एक प्रोडक्ट तो फिक्स है, एक प्रोडक्ट फिक्स है वाटर। दूसरा प्रोडक्ट जो साल्ट है उसका फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, उसके लिए आप क्या कीजिए, यहां हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट इस मेटल से करा लीजिए। यदि सल्फ्यूरिक एसिड में जो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन एटम मौजूद है उसे यदि मैग्नीशियम से डिस्प्लेस कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। और यहां हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराना है मैग्नीशियम से तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम के लिए Mg2+ और सल्फेट के लिए SO4 2-। आपको केमिकल फॉर्मूला मिलता है MgSO4। तो साल्ट जो है उसका फॉर्मूला हो गया MgSO4। फिर इसी तरीके से देखिए आप, यदि HCl का रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड से करा दिया जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड से कराया जाए तो एक प्रोडक्ट तो फिक्स है वाटर, दूसरा प्रोडक्ट साल्ट है। उस साल्ट का फॉर्मूला कैसे आप ऑब्टेन करेंगे, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल नेम है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड ये इसका केमिकल नेम है क्योंकि इसमें है H+ आयन और है Cl- आयन। H+ आयन का नाम हुआ हाइड्रोजन और Cl- का नाम हुआ क्लोराइड। अब इस हाइड्रोजन को आप डिस्प्लेस करा दीजिए इस मेटल से, कौन सा मेटल है ये कैल्शियम, तो कैल्शियम से डिस्प्लेस करा दीजिए कैल्शियम और उसके बाद क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए जो कैल्शियम का होता है Ca2+ और क्लोराइड का होता है Cl-, तो फॉर्मूला मिलता है CaCl2। तो जो साल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। एक मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड जब रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। साल्ट का फॉर्मूला आप ऑब्टेन करने के लिए आप एसिड में हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट उस मेटल से करा देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पर, नेक्स्ट रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट विथ मेटल बाइकार्बोनेट।
produces salt water and carbon dioxide. Salt water and carbon dioxide. For example, HCl when reacts with sodium carbonate, HCl when reacts with sodium carbonate produces, देखिए यहां वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो फिक्स है, एक और प्रोडक्ट है साल्ट। साल्ट का फॉर्मूला आप कैसे ऑब्टेन करेंगे? यहां हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट मेटल से कराइए, हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट सोडियम मेटल से कराइए, क्या मिलेगा आपको? सोडियम क्लोराइड। तो साल्ट का फॉर्मूला हो गया NaCl। नेक्स्ट HCl का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं NaHCO3, इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं। अगेन इसमें भी सेम वही प्रोडक्ट बनेगा, साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड NaCl+H2O+CO। तो ये है एसिड के प्रॉपर्टीज। एसिड जिन सबस्टांसेस में एसिड पाए जाते हैं उनका टेस्ट सॉर्ट होता है, एसिड लिटमस को रीड कर देता है, एसिड का अक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थे एसिड के प्रॉपर्टीज, आप लोग इन्हें मेमोराइज कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।